करगिल के तमाम पॉलिटिकल लीडर्स और रिलीजियस एसोसिएशंस एक होकर आज यहां पे प्रोटेस्ट कर रहे हैं। डिविजनल स्टेटस की जो ग्रांट हुआ है पिछले दिनों और इसका हेडक्वार्टर जो लेह में बनाया है मुस्तकिल तौर पर, इनका कहना है कि ये डिविजनल स्टेटस का जो हेडक्वार्टर होना चाहिए डिविजन लद्दाख डिवीज़न का, वो करगिल में भी होना चाहिए। आपको दिखाएंगे इस प्रोटेस्ट के अंदर करगिल के कौन कौन यहाँ पे मौजूद हैं। के लोग हैं यहाँ पे बहुत ही गम गुस्से में, बहुत ही ज़्यादा गम गुस्से में यहाँ पे लोग। बहुत दूर तक यहाँ से लोग हैं। जिस तरीके से यहाँ पे लोगों के अंदर आम गुस्सा है इसका अंदाज़ा नहीं किया जा सकता। और यहाँ पे देखे ख़वातीन भी बहुत पुरजोश अंदाज में यहाँ पे शिरकत कर रही हैं। करीब 500 के करीब यहाँ पे ख़वातीन भी आई हुई हैं जो इस वक्त यहाँ से अलग होके जा रहे हैं। और करगिल का कोई भी ऐसा लीडर नहीं है जो जम्मू में हो और इस प्रोटेस्ट में शामिल ना हुआ हो, चाहे वो बीजेपी के हो, पीडीपी के हो, नेशनल कॉन्फ्रेंस हो। आप इनका अंदाज़ा कीजिए किस कदर इन लीडरों के ऊपर जो गम और गुस्सा इनके चेहरे से बताया जा सकता है। जिस अंदाज से लोग नाराबाजी कर रहे हैं, अब ऐसा लग रहा है कि शायद गवर्नर को अपना फैसले पे दोबारा गौर करना पड़ेगा। कहीं ना कहीं
अगर ऐसा ना हो तो जिस अंदाज से ये लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं ऐसा कहा जा सकता है कि यही हद तक जा सकते हैं जैसे ये बता रहे थे पहले। जम्मू के अंदर इस तरीके का प्रोटेस्ट पहली बार हुआ है करगिल द्वारा, और जिस तरीके से आपको मैं आगे का भी अभी जो यहाँ पे प्रोटेस्ट, इससे पहले ख्वातीन का एक प्रोटेस्ट है आप देख सकते हैं यहाँ पे, यह ख्वातीन के प्रोटेस्ट भी है, और जिस अंदाज से ये लोग यहाँ पे आए हुए हैं बताया, जिस तरीके से यहाँ पे लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं उस अंदाज से कहा जा सकता है कितना गम और गुस्सा इन लोगों के अंदर है। पहली बार करगिल के ख्वातीन इस तरह अपनी मांगों को लेकर के रोड पे आए हैं, ऐसा पहले नहीं देखा गया था। जम्मू जैसे इलाकों में, फार फ्लंग एरियाज में करगिल के ख्वातीन भी रोड पर आया हो एक मांग को लेकर के करगिल के। यहाँ पर हमारे साथ जाकिर जैनी हैं जो यूथ लीडर है, उनसे बात करना चाहेंगे, उनसे उनका इजहार राय भी जानना चाहेंगे। जाकिर भाई क्या कहेंगे आप? देखिए ये बहुत ही अनफॉर्चुनेट है जिस तरीके से गवर्नर इंतज़ामिया ने एक जो ऑर्डिनेंस है 110 के तहत डिविजनल हेडक्वार्टर को लेह में जो है मुंतकल करने का जो फैसला दिया है उसके खिलाफ करगिल के पूरी आवाम, करगिल डिस्ट्रिक्ट में नहीं जम्मू में दिल्ली में हर जगह रोडों पे है इस एसआरओ के खिलाफ। हम चाहते हैं कि गवर्नर साहब फिर से और एक बार अपने जो है इस एसआरओ को रिकंसिडर करें, क्योंकि ये हमारी एक देनी ना मांग रही है। लेह के लोगों ने कभी इस बात की डिमांड नहीं की थी कि जो है डिविजनल हेडक्वार्टर ये डिविजनल स्टेटस की, ये करगिल के लोग थे जिन्होंने आज़ादी के बाद जो है डिविजनल स्टेटस की मांग को उठाया था। लेकिन बदकिस्मती की बात यह है गवर्नर इंतज़ामिया ने बीजेपी के प्रेशर में आकर जो है इस हेडक्वार्टर को जो है लेह में परमानेंटली वहाँ पे जो है वो रखने का ये जो फैसला किया है, इसी के खिलाफ आज पूरी जो है करगिल की आवाम रोडों पे है जम्मू में। मैं एक बार फिर आपसे कहूँगा जिस तरीके से इन लोगों के अंदर गम और गुस्सा है, पहली बार जम्मू के अंदर एक और करगिल को जमा किया गया है। जिस तरीके से करगिल के लोग यहाँ पे जमा हुए हैं, मैं एक बार फिर आपको कह रहा हूँ पूरा करगिल यहाँ पे जमा हो रहा है, ऐसा लग रहा है पूरे जम्मू वाले परेशान हैं कि इतनी मजमा कहाँ से इन्होंने लाया है यहाँ पे। और अब ख्वातीन का ही तादाद देख लीजिए, करीब 500 से ज़ायद ख्वातीन यहाँ पे हैं और 3000 से ज़्यादा लोग यहाँ पे मर्द जमा हुए हैं। करगिल के जितने भी पॉलिटिकल लीडर्स हैं वो भी यहाँ पे हैं। यहाँ पे फॉर्मर एजुकेशनिस्ट मैडम कनीज यहाँ पे हमारे साथ हैं, इनसे भी इनका राय जानना चाहेंगे। मैडम क्या कहेंगे आप? हमारे साथ ये एक बहुत बड़ी नाइंसाफी है, ये करगिल के लोगों की जेन्युइन डिमांड थी और इस जेन्युइन डिमांड को एक गवर्नमेंट कैसे सप्रेस कर सकते हैं, इसलिए हम लोग जो है इस डिवीजन को एक्सेप्ट नहीं करेंगे जब तक करगिल में जो हमारी डिमांड है रोटेशनल बेसिस पर हेडक्वार्टर इस्टेब्लिश नहीं होगा। हम इस डिवीजन का जो डिसीजन है इसको हम एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं। ये जो करगिल के लोगों के साथ किया है दिस इज द प्रीएम्बल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन स्टेट्स दैट इक्वल शेयर एंड इक्वल अपॉर्चुनिटी। तो इतने बड़े खत्ते के इतने लार्ज सेक्शन ऑफ पीपल के साथ, लोगों के साथ जो नाइंसाफी किया है ये कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट है, ह्यूमन राइट्स के अगेंस्ट है, और हमें अपना राइट्स के लिए हमें फाइट करना है, हमें स्ट्रगल करना है। और आज हमें मजबूर कर दिया गवर्नमेंट ने कि सड़क पर आके हमें प्रोटेस्ट करने के लिए। हम गवर्नमेंट से अपील करते हैं कि आप इतने लार्ज सेक्शन के लोगों को इतना इग्नोर नहीं कर सकते हैं, हमारे डिमांड को जो है आप पूरा कर दीजिए और इसे रिविजिट कर दीजिए। और ये एक पॉलिटिकली डिसीजन है, हम समझते हैं गवर्नमेंट से अपील है कि आप इसे। थैंक यू। नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी।
यहाँ पे आप साफ देख सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ पे लोग जमा हुए हैं, कहाँ से इतनी मजमा उमड़ आई है, एक जन सैलाब यहाँ पे आ चुका है। अब गवर्नर को एक बार फिर ये लोग अपील कर रहे हैं कि जो फैसला उन्होंने सुनाया है उस फैसले पे गौर किया जाए। खवातीन इस तरीके से रोड पे कभी आते हुए हमने नहीं देखा है, लेकिन आज ये देखिए इनके चेहरे पर जो और जिस जोश से ये लोग नारे यहाँ पे नारेबाजी कर रहे हैं, उससे साफ अंदाज़ा किया जा सकता है कि किस तरह का मौका है इनके दिलों में। मैं एक बार फिर आपको दिखाऊंगा, इसके पीछे जो है वहाँ पे कारगिल के नेता इस तरीके से एक प्लेटफॉर्म पे होते हुए आज तक बहुत कम देखा गया है। जैसे हमने पहले भी आपको बताया, इन्होंने तारीख का हवाला देकर बताया तो था कि बहुत बार ऐसा हुआ है, लेकिन ऐसा बहुत कम बार मौका आता है जिससे हमने देखा कारगिल के लीडर्स को एक प्लेटफॉर्म पे आते हुए देखा है। लेकिन आज पहली बार कारगिल के जो आवाम है और लीडर्स हैं वो एक ही प्लेटफॉर्म पे, यहाँ पे आप देखिए जितने भी पॉलिटिकल पार्टी से ये लोग मिले हुए हैं वो सब यहाँ पे आए हुए हैं और अपनी मांग को लेकर ज़बरदस्त तरीके से एहतजाज कर रहे हैं। चलो।